हम बच्चे अपनी सामर्थ्य को नहीं पहचान पाते और खुद को साधारण समझ बैठते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम बच्चों पे भगवान की नज़र पड़ी है, भगवान को आपकी विशेषताओं का पता है, भगवान ने आपको चुना है। तो आप सब, बाबा ने कहा कि सारी अछौनी आत्मा एक तरफ और एक ईश्वरी रतन एक तरफ, है ना। तो अखिलेश भाई कह रहे थे थोड़ी सी आत्मा, मैंने कहा एक एक आत्मा एक एक अछौड़ी के बराबर है, आज बाबा ने कहा। हाँ, तो बाबा जितनी ऊंची नज़र से हमको देखता है, भगवान जितनी ऊंची नज़र से देखता है, एक टीचर को एक शिक्षक को पता होता है ना, हाँ वो तो परम शिक्षक है। देखो इतिहास में गायन है, हाँ चाणक्य ने एक साधारण से बालक को, बालक में पूरे भारत को एकजुट करने की सामर्थ्य देखी, है ना, एक संभावना देखी और उसको साकार किया, है ना। एक गडरिया है, गाय बकरियां चराने वाला, एक छोटे से बालक में उसने वो परख लिया कि इसमें वो संभावना है, इसमें वो सामर्थ्य है जो पूरे भारत को एकजुट कर सकता है, है ना। तो इतिहास में गायन है, है ना। चाहे हम छत्रपति शिवाजी की बात हम सुने, एक समर्थ गुरु रामदास, है ना, समर्थ भी क्योंकि उसने खुद पर जीत पाए थे। समर्थ शब्द क्यों जुटा, कहते हैं कि स्वामी रामदास समर्थ गुरु रामदास, तो रामदास जी भिक्षा के लिए निकलते थे, तो एक घर में जब वो भिक्षा के लिए पहुँचे कि, है ना, भिक्षा की मांग की उन्होंने दरवाजे से, तो वो गृहिणी शायद किसी बात से परेशान रही होगी और पोछा कर रही थी, तो उसने पोछे के कपड़े को ही फेंक के मारा समर्थ रामदास के ऊपर। तो वो पोछे को ही प्यार से ऐसे स्वीकार करते हैं और जाके उसको नदी में उसको साफ करके उससे बत्तियाँ बनाते हैं, दिए भगवान के लिए दिए, ऐसे है ना, पूजा के लिए दिए बना के उसकी बाती बनाकर जब वो जलाते हैं, तो कहते हैं उसके वो हृदय तक, उस माता के हृदय तक भी जाता है और जाके अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांगती है। तो उनका नाम समर्थ रामदास क्यों पड़ा, क्योंकि उन्होंने खुद के क्रोध अहंकार अपनी अपने विकारों पर उन्होंने जीत पाई थी, इसलिए उनका नाम समर्थ रामदास था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी एक बार, छत्रपति शिवाजी ये देखते थे कि मुझे मुगलों का सामना करना पड़ता है, आज ये किला जीता, कल ये किला जीता, नहीं पड़ती हैं, और मैं गुरु को अपने देखता हूँ, समर्थ गुरु रामदास को, मौज में ईश्वर का कीर्तन करते रहते हैं, मौज में रहते हैं। तो वो सोचता है, छत्रपति शिवाजी सोचते हैं कि क्या मेरा जीवन ऐसे ही मारकाट में चला जाएगा, मेरा जीवन का क्या कल्याण है, भला है फिर। तो वो समर्थ गुरु रामदास के पास जाते हैं, बोलते हैं भाई ये मैं भी थक गया हूँ, ये किला जीतना, ये किला जीतना, अभी मैं ये सब छोड़ना चाहता हूँ। रामदास कहते हैं कि ठीक है छोड़ दो, बोले मैं ये सब अभी सब राजपाट में ये सब छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी शांति से अपना जीवन सफल करना चाहता हूँ, मैं भी बढ़िया भजन करना चाहता हूँ, भगवान का नाम लेना चाहता हूँ। तो बोलते हैं ठीक है आप छोड़ दो, बोलते हैं। तो बोलते कौन संभालेगा छत्रपति, बोले मैं संभालूंगा, उसमें क्या है, छोड़ दो। तो वो मुकुट राजाई वस्त्र उतार के उनके चरणों पे रखते हैं और जाने लगते हैं। तो समर्थ गुरु रामदास कहते हैं अच्छा जाओगे कहाँ, बोले कुछ नहीं, बोले छोटा मोटा कुछ काम करूंगा अपना, खा पी के और बस प्रभु का ध्यान करूंगा। आप तो बड़े मौज में हो, अपना जीवन सफल कर रहे हो, मेरे को यहाँ कहाँ मार काट और ये सब चीज़ों में लगा के रखा है। तो जब वो जाने लगता है छत्रपति शिवाजी, तो समर्थ गुरु रामदास करते हैं रुको, बोलते हैं देखो तुमको किसी काम की आवश्यकता है और मुझे एक सेवक की जरूरत है, मैं चाहता हूँ ये सिंहासन मेरा है, मेरे सेवक के रूप में ये सिंहासन संभालो, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, ये राज्य मेरा है, तुमको केवल ये संभालना है। अच्छा अब क्या हुआ,
वही सिंहासन, वही मुकुट, वही सब चीजें हो गई। अब क्या हो गया? ये राज्य किसका है? मेरे गुरु का है। अब मेरा राज्य नहीं है। हम बाबा ने हमें ये कहा, माया कोई पत्नी, बच्चे, धन, ये माया नहीं है। माया क्या है? मेरापन, ये मेरा है, ये मेरापन ही माया है। बाबा कहते हैं, देखो छत्रपति शिवाजी हल्के हो गए उसके बाद, कि मैं अपने गुरु के लिए कर रहा हूं, मेरा कुछ नहीं है। वही चीज जो भारी करती थी और वो अब हल्का कर रही है। तो कहने का मतलब है, बाबा कहते हैं जहां मेरा मेरा है वहां शनि की छाया है, और जहां तेरा है वहां बृहस्पति की छाया है। जहां मेरा है वहां शनि की दशा, और जहां तेरा है।